आज का जो हमारा मणिपुर के अंदर का जो सिचुएशन का हालत है, हूबहू जैसा कश्मीर में हुआ था उस तरह सेम एक न दिन एक पक्का हो गए होगा। और ना हम लोग के लिए आलोक शोक कर सकता है, अभी तक तो नहीं किया है ना हम लोग ने। वो लोग तो मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहा है, अमित शाह भी कुछ नहीं आकर कुछ नहीं बोल रहा है। प्रधानमंत्री इस तरह का बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, इसका अंदर क्या हो रहा है ये अंदर का गहराई मणिपुर का पब्लिक लोगों ने जान चुका है। वो लोग मुंह क्यों नहीं बोल रहे हैं? शॉट्स ऐसे फायर हुए बहुत, कोई हैवी वेपन से किए हुए होंगे। जहां एक तरफ हमारे देश के दूसरे हिस्सों में रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से गुजर रही है, वहीं मणिपुर में हालात सामान्य नहीं है। आज 27 तारीख को सुबह से हमें खबर मिलने लगी थी कि फगकचाव गांव में भारी गोलीबारी और बॉम्बिंग हो रही है। रास्ते में कई गांव के लोग अपना घर छोड़कर हमें सड़कों पर दिखे। अब हम लोग फगकचाव की तरफ जा रहे थे और ये रास्ते में इसके पहले एक गाँव में रुके थे, वहाँ पे भी लोग बाहर हैं, वहाँ पे गनशॉट्स की आवाज़ आ रही थी। अभी हम तेरा कुसाम्बी में आए, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कल रात से बहुत ही हैवी फायरिंग हो रही है, अंदर मोटा वोटरा का यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे अभी एक विलेज डिफेंस कमेटी भी थी जो उनको हम शूट नहीं कर रहे, उन्होंने मना किया था कि उनका फ़ोटो ना लें। तो यहाँ पे भी लोग रेडी हो रहे हैं और थोड़ा सा सब अधिकतर आप देखेंगे गाँव के बाहर से, बाहर के जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो पूरा बाहर निकल के आए हुए हैं, रोड पर हैं। और वो इन लोगों का कहना ये है कि ये फायरिंग जब से चल रही है और एटलीस्ट 2 किलोमीटर तक वो अंदर घुस के आ गए हैं। और हमें अभी एक जन ने बताया यहाँ पे कि वहाँ पे 4 खेत थे, तो वहाँ पे लोगों को हटाया और खेतों में आग लगा दी गई। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से, समझते हैं कि एक्चुअल चल क्या रहा है इधर। मैं 3 तारीख से अभी तक लगातार चल रही है, लेकिन अमित शाह जी को यही संदेश देना चाहूँगा, जैसा उसने पार्लियामेंट में संसद में बैठते समय विपक्ष लोगों के सामने में या अपना सरकार बीजेपी के सामने में भी उसने बोला था कि हमारा हिंदुस्तान का एक छोटा सा छोटा जमीन नाखून का बराबर भी हम किसी देश को नहीं देंगे। लेकिन जो आज का जो हमारा मणिपुर के अंदर का जो सिचुएशन का हालत है, हूबहू जैसा कश्मीर में हुआ था उस तरह सेम एक न दिन एक पक्का हो गए होगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे लड़ाई लड़ रही है, ये हमारा सिविल आपस में जो पहले से लड़ रहा है वो नहीं है, ये जो भी यहाँ से बंदूक उठा कर ये हमारे ऊपर मैथिली लोग के ऊपर में जो भी हथियार उतारे, जो म्यांमार से जो आया हुआ जो रिफ्यूजी पार्टी है, जो कि म्यांमार का सरकार के साथ जो कुकीचिन मिलिटेंट्स है, KRA दुनिया भर का है इनका, तो इन लोग आकर के रिफ्यूजी वालों ने, क्योंकि हमारा इस इलाके को, इस मणिपुर को इन्होंने कब्जा करवाना चाहता है, क्योंकि इनका वहाँ तो रहने के लिए जगह नहीं है। और लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा मैथी कम्युनिटी का हाथ का वजह से इन लोग माइनॉरिटी है बोल के हमारे ऊपर इतना ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ में भी पूरा चारों तरफ से 4-5 गाँव से पूरा चारों तरफ से घेर करके हमारे गाँव के ऊपर अभी फायर आ रहे हैं। तो औरतें बच्चे बीवी लोग कल रात से ना घर जा पा रही है, ना खाना खा पा रही है, लोग सारे भाग के रास्ते में मेन रोड में आ गए, कुछ गांव से बाहर भी भाग गए हैं। मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है अब वो पूरी तरह से एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। अभी तक 181 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 113 कुकीज़ हैं और 62 मैथीज हैं। अभी हम एक मैते गाँव में हैं। हालांकि कुछ गांव वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि फायरिंग म्यांमार से आए कुकी समुदाय के लोग कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री इस आरोप की पुष्टि नहीं कर सकता है। अभी यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें जलाई हैं वहाँ पे, खेत जलाए, तो क्या कितने ऐसा कुछ हुआ, घर जलाया या खेत जलाया कुछ? वहाँ पे जब से विवाद चला था उसका 2-3 दिन के बाद वो जगह जो हमने छोड़ दिया, वो जगह जो एक फार्म है, वहाँ पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पे रहता था एक परिवार रहता था, लेकिन इस फायरिंग की वजह से उस फार्म को छोड़ के भाग के आना पड़ रहा है। जो हम लोग जो रात के 3 बजे से शुरू हुआ है अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, इतना तो हम लोग चारों तरफ से हम लोग राउंड करके फायरिंग कर रहा है। हम लोग डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग मेरे पास हाथी उठी बराबर इतना नहीं है, हम लोग चल रहा है जो हम लोग क्षेत्र के लिए थोड़ा बेरे लूने दोई तो है, और फिर हम लोग क्या करूँ, जो सरकार भी नहीं देख रहा है, सेंटर ने भी नहीं देख रहा है, हम लोग जितना कहाँ आप लोग देख रहा है, कहाँ फाग रहा है, कहाँ जल रहा है हम लोग, इसलिए हम लोग डर लग रहा है, और किसी ने भी हम लोग को नहीं देख रहा है, तो चलते चले ऐसे रह रहा है। और जो हम लोग सेंट्रल में है, स्टेट में है, क्या बोलूँगा, कोई कारण किसको बताऊँ, किसको बताऊँ, हम लोग कुछ भी पता नहीं है, हम लोग भाग रहा है, बचा लोग पोखा की भाग रहा है, क्या करूँ हम लोग, ऐसा ही है तो क्या करूँ। ये यहाँ पे मैंने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर बहुत लोगों पर नाराज़गी है, तो क्यों है वो नाराज़गी?
वो ना हम लोग के लिए आलोक शोक कर सकता है, अभी तक तो नहीं किया है ना हम लोग ने। वो लोग तो मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहा है, अमित शाह भी कुछ नहीं आकर कुछ नहीं बोल रहा है। हम लोग तो पीछे भी आज सुबह भी जो पोल्ट्री फार्म है वो भी जला रहा है, वो लोग चार आदमी निकल रहा है काला वाला कपड़ा पहन के, वो लोग हम लोग खुद देख रहा है, हम लोग के पास में गन नहीं है, वो तो हम लोग जलाया और इसलिए फायरिंग कर रहा है, हम लोग भाग रहा है। इसे ईसाई वाले तो क्या करूँ हम लोग ईसाई इसे करके हम लोग। तो अभी आप लोग कब से यहाँ पे हैं, ये बंकर कब से बना के रखा हुआ है? इधर बंकर रखा हुआ है अभी 2 महीना ऐसा चल रहा है ऐसा। और कितने लोग हैं ये विलेज डिफेंस कमेटी में? हम लोग ज़्यादा नहीं है, 10-15 आदमी है, रात में दिन में थोड़ा कम है ऐसा रहता है। आपके पास ये जो वेपन है ये तो क्या है, 303 है? नहीं नहीं, वो सिंगन मिले हैं, सिंगन। हाँ तो इससे वो जो फायरिंग हो रही है वहाँ तो बॉम्ब्स, आप जैसे बता रहे थे कि वहाँ बॉम्ब गिर रहे हैं वहाँ फायरिंग हो रही, तो इससे कैसे आप लोग प्रोटेक्ट कर पाए? नहीं हो सकता है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आस पास में आता है तो हम लोग थोड़ा सेफ्टी के लिए हम लोग रुका है। तो हमारा गाँव में तो अभी तक तो इतना थोड़ा सुरक्षा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, फिर तो हो सकता है, बता नहीं सकता है। मैं इस तरह का कहना चाहूँगा, इसी जगह पर जो माहौल है अभी जो हो रहा है, 3 तारीख से जो इंडिया आर्मी जैसे बैठा है, इसी वजह से ये गांव हम लोग सो रहा हूँ, वो लोग चला जाएंगे तो हम लोग को सेफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। ये हम लोग कुकी को कभी भी फायरिंग नहीं कर रहा है, वो लोग ने फायरिंग कर रहा है, मकान जला रहा है, जो कुछ हो रहा है वो लोग ने कर रहा है। हम लोग सेफ्टी के लिए हम लोग जो सिंगल बेरेन हम लोग पैसा ऐसे इकट्ठा करके ऐसे लिया है। बात बताइए, ये जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और ये बीरेंद्र सिंह हैं, ये मतलब इसको इनको लेके क्या क्या कहना है? ये वो लोग प्रधानमंत्री इस तरह का बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, इसका अंदर क्या हो रहा है ये अंदर का गहराई मणिपुर का पब्लिक लोगों ने जान चुका है, वो लोग मुंह क्यों नहीं बोल रहे हैं? विलेज डिफेंस कमेटी की जो बारे में बता रहे थे, तो इनका कहना है कि उनके पास पाइप गन्स हैं, लेकिन एक्चुअली हमने देखा है उनके पास भी ऑटोमेटिक वेपन्स है, लेकिन जब हम उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात करी तो वो बोल रहे थे कि है हमारे पास वेपन्स, लेकिन हमारे पास इतने वेपन्स नहीं है, और क्योंकि सामने से इतनी हैवी फायरिंग होती है, आर्मी आती है, आप स्टेट फोर्सेज हैं उनके साथ में, लेकिन उन लोग का ये कहना है कि जब वो बहुत करीब आ जाते हैं तो ये लोग आर्मी या स्टेट फोर्सेज की तरफ से उन लोगों पे कोई फायरिंग नहीं हो रही है, तो इसको लेके इनमें थोड़ी सी नाराज़गी है कि वो रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेके ये बोलते हैं कि जो कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए मे बी ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसको वो छुपाते हैं कि उनके ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि हैं, वो हरदम ये बोलते हैं कि हमारे पास पाइप गन्स ही हैं। चार से 5 किलोमीटर का एक दायरा है, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग गांव में फायरिंग और बॉम्बिंग हो रही थी, और अभी भी अंदर फायरिंग चल रही है। अभी हम कोकतास के एरिया में हैं, और मेरे पीछे अगर आप स्मोक देख सकते होंगे तो वो फौक चौक का गांव है जहाँ पे हम लोग कल गए थे, वहाँ पे उसके एक दिन पहले शेलिंग हुई थी जिसमें एक लड़का इंजर्ड हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी टेंस माहौल हो चुका है। जो घर दिख रहा है अभी, कल हम यहाँ पे आए थे और कल शाम को हम यहीं पे थे, और उसके बाद रात के वक्त मतलब जो ये मेरे को सुबह एक फ़ोन भी आया था इस गांव से कि यहाँ पे काफ़ी बॉम्बिंग हो रही है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए हैं, और इस घर के अंदर काफ़ी लोग थे कल, मतलब इकट्ठे यहाँ पे लोग बातें कर रहे थे, काफ़ी मतलब समझ लीजिए 25-30 लोग थे इस घर के अंदर कल, लेकिन अभी पूरा घर खाली है, आई थिंक पूरा गाँव खाली करवाया गया, और अभी जैसे हम यहाँ पे, शायद हो सकता है आपको आवाज़ ना सुनाई दे इसमें, बट हम जैसे आ रहे हैं बॉम्ब्स की गन फायरिंग की आवाज़ इंटरमिटेंटली आ रही है इधर। उस तरफ जा रहे हैं हम लोग अभी, तो यहाँ पे अभी मणिपुर पुलिस के कमांडोज आए और गन फाइटिंग, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चल ही रही है, सिचुएशन एक्चुअली बहुत टेंस हो गया इधर का।
इस पूरे जहाँ पे इस गांव में खड़े, इसको एडजॉइनिंग और दो गांव हैं ऑलमोस्ट इस पूरे पैच में 5-7 किलोमीटर के गन फायरिंग हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो हिल्स का एरिया है तो ये जो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि जो कमांडर जो वहाँ से फायरिंग हो रही है और राइट साइड से भी फायरिंग, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी इधर और इधर। ये जो एक पानी की जो वाटर बॉडी दिख रही है वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो उखड़ गया ये वहाँ पे बॉम्ब गिरा था। अभी तक शॉट्स ऐसे फायर हुए जो बहुत कोई हैवी वेपन से किए होंगे। ये बॉम्ब का शेल है, कैन शो इट टू यू। ये देखिए ये बॉम्ब का शेल, इधर बॉम्ब गिरा है। लेफ्ट साइड में वहाँ पे BSF का बंकर है। इन लोगों का बोलना है ये कि जो कमांडो उसका भी कहना है, यहाँ पे जो पुलिस कमांडो है, कि BSF की तरफ से बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं कर रहे। और मैंने भी एक्चुअली देखा कि BSF के जो वहाँ पे जो BSF के जो ऑफिशल्स हैं वो खड़े हुए आराम से वहाँ बातें कर रहे थे और ना ही उनके हाथ में कोई वेपन है और ना ही कुछ लिया। सिर्फ यहाँ पे मणिपुर पुलिस से कमांडोज हैं। और अभी देखिए वो सामने अगर यहाँ से धुआं दिखेगा वहाँ पे, जो यहाँ का जो लोकल गांव का पॉपुलेशन है और जो उनका ये जो पॉपुलेशन है, ये अभी एक अभी अभी शायद ये तो आवाज़ तो शायद आई गई होगी, बॉम्ब चला इधर। जो मेरे कुछ कमांडो से बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे मणिपुरी कमांडोज हैं और ये भी फायरिंग की आवाज़ आई है, आई थिंक बॉम्ब चल गया कहीं, और BSF है उनके साथ और CRPF का मन ये इधर है। लेकिन और उस तरफ जो है आसाम राइफल्स और जो महा रेजिमेंट है वो उनको रोकने के लिए, और ये इधर से अगर कुछ फायरिंग होती है उसको रोकने के लिए है। बट लेकिन तब भी फायरिंग हो ही रही है। अभी एक फायरिंग का आवाज़ आया। ये भी इधर से फायर हुआ, अभी उधर से फायर हुआ, ये उधर से इधर से फायर किया। अभी पुलिस कमांडो ने तो हमारी कुछ जो आर्मी के लोगों से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि आर्मी नहीं रहे इधर तो जो कुकीज़ हैं वो शायद इस एरिया को पूरा कैप्चर कर लेंगे। और वो बता रहे थे कि उनके पास काफ़ी अच्छे वेपन्स भी हैं, वो लोग खुद अपने वेपन्स बनाते हैं और काफ़ी एग्रेशन है अभी रास्ते में। और भी हम एक दो गांवों को कवर करते हुए आए थे, वहाँ पे भी फायरिंग के इंसिडेंट गाँव वाले बता रहे थे। और जो रोड पे देखा गया कि काफ़ी लोग मतलब गाँव के अगल बगल के लोग वहाँ पे आ गए, और उसके बाद सिविल डिफेंस जो मतलब सिविल डिफेंस नहीं जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं वो भी रेडी हो रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ मतलब हम लोग उनसे ही बात करी थी, वो लोग बोले थे यहाँ पर से पाइप गन्स वगैरह, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी ग्रुप्स लेके जिन जो काफ़ी उनके पास एडवांस वेपन्स थे, काफ़ी मॉडर्नाइज वेपन्स थे। उसके बाद फिर हम जब फवक चौक में आए यहाँ पे मतलब काफ़ी देर हमको ऑलमोस्ट अभी हम अंदर गए थे पूरा मणिपुरी कमांडोज को फॉलो करते हुए, और तब से यहाँ फायरिंग हो ही रही है। हम काफ़ी आगे तक गए थे BSF का जो पोस्ट है वहाँ से एक, उसके बाद वो जो सामने का इलाका पूरा कुकी डोमिनेटेड इलाका है उनका इलाका है, वहाँ से वो फायरिंग चालू हुआ। इधर से भी हम जब पूरा घूम के आए लौटते में तो यहाँ पे एक मणिपुरी कमांडोज का बंकर है, वहाँ पे कुछ विलेज डिफेंस कमेटी के भी लोग हैं, मतलब विलेज डिफेंस के लोग हैं, वो लोग भी फायरिंग कर रहे हैं जो हिल्स के ऊपर जो कुकीज़ हैं वहाँ से। और तो कुल मिला के ये कि एक मणिपुर में जहाँ पे अभी पूरा इतना बवाल चल रहा है, माहौल चल रहा है, ये गन फाइट्स हो रहे हैं, तो ना ही इसका जो मेनलैंड इंडिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को कवर कर नहीं रहा है कि कैसे दो कम्युनिटीज़ में इतना हेट और इतनी दुश्मनी फैल चुकी है कि एक सिविल डिसऑर्डर या सिविल वॉर जैसी कंडीशन है यहाँ पे। और इसमें खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो लोग हैं, आम लोग हैं, वो इंडियंस ही हैं, भले वो कुकी हों, भले वो मैते हों, या कोई भी हों। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, लेकिन मौजूदा हालात में सिचुएशन ये है कि मणिपुर की जो का माहौल है दिन ब दिन, हमको आज चौथा दिन है, तो वो टेंशन दिखते जा रहा है।
और ये तो मे बी शायद हमको अभी दिख रहा हो, लेकिन ये जब से 3 मई से ये जो वायलेंस शुरू हुआ है ये तब से लगातार चलते ही आ रहा है। और इस तरीके के ये जो बॉर्डर विलेजेस हैं और भी ऐसे, जैसे मुरै में कल काफ़ी हैवी गन फाइट हुआ है, तो ये चल रहा है इंडिया में, जो कि बाकी इंडिया बहुत पीसफुल दिख रहा होगा सबको, लेकिन एक मनी इंडिया जो मणिपुर का स्टेट है वहाँ पे इस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं। इसको कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवीन करना चाहिए, और आगे की जो भी अपडेट्स होंगी हमारी मणिपुर की, जो हम एनएल सेना के लिए आए हैं, मणिपुर को कवर करने आए हैं, वो हम आपको देते रहेंगे। मैं प्रतीक गोयल, मेरे कलीग शिवनारायण राजपूत के साथ, फवाक चौक, मणिपुर से। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।